भाई हम लोग चले, बहुत रात हो गई है, थोड़ा आराम कर ले। चित्रा बेटा, हमारी माँ राघव जेल से आया है ना बाहर, तो कान्हा जी को धन्यवाद देने गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई है, सुबह हो जाएगी आते आते। तुम थोड़ा दूध गर्म कर दो हमें। जी बाबा। और पार्वती बहू, तुम हमारी दवाइयाँ निकाल दो। जी बाबूजी। अब यहाँ की चिंता छोड़ो, श्री है ना, वो देखेगी अपने पति को, है? चलो चलो चलो। मिश्री, तुम हिम्मत बनाए रखना, कान्हा जी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखेंगे। सबको अपने कब्जे में कर लिया, चाहती क्या हो तुम? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पहले माँ के प्रसाद में जहर मिला, उनकी जान लेने की कोशिश की, और फिर आज उनको इन्हेलर देके उनकी जान बचाई, खुद को चोट पहुंचाया और अपनी चोट पे ध्यान दिए बिना मुझे बचाया। क्या कर रही हो तुम ये मिश्री, क्यों कर रही हो? इसलिए ना, ताकि मेरी नजरों में अच्छी बन सको और मैं तुम्हें सजा देना बंद कर दूं, ताकि तुम इस घर में मजे से आराम से रह सको। हाँ हाँ हाँ, ये सुनना था ना आपको, तो आपकी खुशी के लिए हाँ कह दिया हमने। इस समय अब खाना खा के सिर्फ दवाई खाइए बस। अरे रुको, पत्नी हो तुम मेरी, डरो मत। आज मैं ना बहुत खुश हूं, इसीलिए तुम्हारी सारी सजा माफ। वैसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों खुश हूं? क्यों खुश है? क्योंकि मिश्री और राघव ने जो मेरे ऊपर केस किया था, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मिश्री ने जो आज जेल में तोड़फोड़ की, उसकी वजह से जो मेरे खिलाफ सबूत था वो उसने खुद ही बर्बाद कर दिया। कितनी खुशी की बात है ना, तुम खुश हो ना कि मैं बच गया? अरे खुश हो तुम, मुस्कुराओ ना। क्यों नहीं मुस्कुरा रही हो? हा? देखो मैं तुम्हें गले भी लगा रहा हूं, देखो बोला खुश। मुस्कुराना नहीं, रोना आ रहा है मुझे। तुम जैसे इंसान को बचना नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है, तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सजा जल्दी मिलेगी रंजीत। मिश्री, मेरी चाय कहाँ है? चाय से ना मिलेगी, योगा से मिलेगी मन की शांति। आओ आओ, हंसो हमारे साथ। घर के सारे नौकर मर गए क्या? चाय लाओ। ला। इतनी देर क्यों लग गई चाय लाने के लिए? लगता है पगार काटनी पड़ेगी। काट लीजिए, इसी बहाने मिलेगी तो। वैसे आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी की तैयारियां कर रहे थे इसलिए चाय लाने में थोड़ी देरी हो गई। वाह बेटा वाह, यहाँ घर में तुम्हें तो सुनना पड़ा है, भाई घर के खुशियों की तुम तैयारी में लगी हो, अपने सिवा तुम सबकी सोचती हो। दादाजी, अपने लिए सोचना या अपनों का सोचना, बात तो एक ही है ना। क्या बात है। अब इसके लिए राज गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा तुम भी करोगी मिश्री? बिल्कुल नहीं दादाजी। इसने कल मुझे बचाया सबके सामने, इसलिए आप इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर इतना बड़ा अधिकार देना ये सही नहीं है। ये इसकी अच्छाई कि बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के ये सब करना, ये सब एक नाटक है। ये बस सबकी नजरों में अच्छी बनकर इस घर में रहने का तरीका ढूंढ रही है। बिल्कुल ठीक कहा, नौकरानी है, इसने जान बचाई है तो 500 या 1000 रुपया इसे इनाम में दे सकते हैं, लेकिन पापा इसे सिर पर तो नहीं बिठा सकते ना। और मिश्री, जाकर ना घर के कामों पर ध्यान दे, घर की खुशियों की जिम्मेदारी का ख्याल हम रख लेंगे, ठीक है? अब जाओ, जाकर बर्तन साफ करो। बस करो चतरा, बहुत हुआ। मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वाको बदलने का अधिकार किसी को ना है, समझ में आ गई बात सबको? तो
तो बहुत खुश होगी तुम। हाँ? घर के सबसे बड़े दादाजी को अपने पक्ष में ले लिया, अब तो तुम जो चाहे कर सकती हो। दादाजी, क्या हुआ? वो राघव जी को ना थोड़ी तकलीफ हो रही है, साथ थोड़ी परेशानी में। आपका वाला योगा करेंगे ना, फिर उन्हें भी अच्छा महसूस होगा। कौन सा वाला योगा? वो वाला। अब मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा मेरे साथ साथ करो, चलो। दादाजी मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। अरे जा से जरूरी कछु ना है, जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ साथ करो। हाँ गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत अच्छे से मनाएंगे, जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये तो किसी बच्चे के कपड़े लग रहे हैं, पर हमारे घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है। हमारे कपड़े कहाँ गए? यहाँ है तुम्हारे कपड़े। ना 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 ना। ठीक है, तुम्हारे कपड़े मैंने जलाकर राख कर दिए। मैंने सोचा कि तुम्हें तो तुम्हारा पत्नी होने का हक मिल रहा है, तो मुझे भी मेरा पति होने का हक मिलना चाहिए। तो एक पति होने के हक से मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे कपड़े पहनो। हम ये कपड़े पहनकर पूजा में आए? हाँ, ये कपड़े पहनकर ही तुम पूजा में आ सकती हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मत आना। ये आपने जानबूझ के किया ना? हाँ, कर रहा हूँ जानबूझ के। तो तुमसे तो सीख रहा हूँ ये सब चालाकियाँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं नहीं चाहता कि तुम पूजा में मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर बैठो। अगर पूजा में आना तो ये कपड़े पहन कर आना, वरना पूजा में आने की कोई जरूरत नहीं है। सब तैयार होने चले भी गए होंगे, किसी की मदद भी नहीं मांग सकते कर रहे हम। वानी ये सब क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? वहां वो काम वाली तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन रही है, तुम्हारा प्यार छीन रही है, और तुम यहाँ पे ये सब टाइम पास कर रहे हो। वानी तुमने देखा ना, अब तो राघव का पूरा परिवार उस नौकरानी का साथ देने लग गया है। तुम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे शांत नहीं रह सकती हो। हमें कुछ करना होगा, हम उस काम वाली को जीतने नहीं दे सकते। वानी तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रिलैक्स मम्मी, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया, जो देखना था मैंने देख लिया। अब देखने और सुनने की बारी उन दोनों की है, इसलिए कब कहाँ कैसे इन सब का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। आज के बाद राघव और मिश्री की वजह से हम दोनों को और ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी आखिरी त्योहार होगा जो वो दोनों साथ में मनाएंगे। वानी, वानी तुम ऐसा क्या करने वाली हो?